सपा प्रत्याशी अरुण वर्मा को जयसिंहपुर की जनता को मिल रहा भरपूर समर्थन। सुल्तानपुर से सदर विधायक 189 विधानसभा के प्रत्याशी अरुण वर्मा का जारी है लगातार जनसंपर्क। जयसिंहपुर की जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन, ये बातें मीडिया से मुखातिब होते हुए सदर विधायक ने खुद बताई। कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आने वाली 27 तारीख को यहाँ की जनता साइकिल के बटन दबाकर पूरे बहुमत से हमारी सरकार बनाने जा रही है। अब ये जनता फ्री के राशन के चक्कर में आने वाले नहीं। और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जनता जान चुकी है, इन 5 सालों में आने वाले 10 तारीख को पता चल जाएगा कि हम सुल्तानपुर की 5 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। कि ये चुनाव जयसिंहपुर के बेटे का है और जो चुनाव लड़ रहे हैं दोनों लोग बाहरी हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने जितने वादे किए वो पूरे कर दिए। एक वादा पूरा के बता दो। उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दूना करेंगे, किसी की आमदनी दूना नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई डीजल पेट्रोल रसोई का गैस गैस सीमेंट गिट्टी मोरंग सरिया किसानों के खाते में उन्होंने पैसे डलवाए। आप किसानों के पैसे में खाते दे के तो बात वही हुई। हम आपसे 20,000 रुपये साल भर में वसूल ले रहे हैं और 2,000 दे के एहसान जता रहे हो। जनता समझ चुकी है कि उनके बातों में झांसे में नहीं आने वाले हैं। महीना में 2 बार राशन दे रहे हैं। राशन कोई नई बात थोड़ी दे रहे हो आप। अगर राशन हमें दे रहे हो तो हमको अपंग बनाने दे कर रहे हो। हमारे क्षेत्र जनता को राशन नहीं चाहिए, हमारे क्षेत्र जनता को रोजगार चाहिए। हमारे क्षेत्र जनता को हमारे जो बच्चे हैं क्या कहते हैं उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए। जब वो पढ़ लेंगे तो खुद उस लायक हो जाएंगे, उन्हें किसी सामने हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता की मांग है कि यहाँ पर सड़कें बहुत गड्ढे हैं। जनता की मांग है सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा वादे पूरे। सरकार ने इनके कहा था कि सड़क यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। आप बताइए जिधर से आए होंगे आपने देखा होगा, ये पता ही नहीं चलता है कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है। और जो मैंने सड़कें बनाई थी 5 साल में अपने कार्यकाल के दौरान, उसके बाद से इन सड़कों की मरम्मत तक आज तक नहीं हुई। आपकी सरकार आ चुकी है तो कितनी बार जल्दी सड़कें पड़ जाएंगी? हमारी सरकार आएगी तो जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं 6 महीने के अंदर, क्योंकि हम लोग जो कहते हो करते हैं। आज जनता को विश्वास है समाजवादी पार्टी क्या पे। आप भी बीजेपी की तरह गड्ढे मुक्त कराएंगे? बीजेपी के तरीके नहीं हम लोग कराएंगे, क्योंकि हम लोग बीजेपी की तरह नहीं हैं। हम लोग अपने क्षेत्र के हैं और हम लोग गड्ढा युक्त जो उन्होंने मुक्त कहा था, हम लोग गड्ढे को सही करवाएंगे और अच्छी सड़क बनवा के हम अपने क्षेत्रवासियों को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ रही है सपा की? देखिए आप खुद देख रहे हैं, आप कल वहाँ सुल्तानपुर में थी, जनसैलाब देखा होगा। और यहाँ जो उमड़ा जनसैलाब है, ये कोई भीड़ जो है ये अपने बेटे और भाई को जिताने के लिए आई है। जितनी भीड़ यहाँ पे है डिप्टी CM बगल में आए हुए हैं, इससे कम भीड़ उनके कार्यक्रम में है। आप सोचो हम एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए अगर हमारी बात सुनने के लिए इतने लोग यहाँ पे हजारों संख्या में आए हैं, तो इसका मतलब आप सीट की बात छोड़ दीजिए, अगर हम लोग 400 न क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। विधायक जी कहा जाता है जो जयसिंहपुर और जीतता वही सरकार बनती, क्या सही है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अगर यहाँ जनता उमड़ी है तो इसका मतलब हम लोग जीत रहे हैं और सरकार भी बन रही है।